स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम ई में नया पढ़ेंगे कि ई कहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ये ई है तो वो कैसे करना है, तो के ई ने दीर्घ की कैसे बोला जाता है। ई ने कौन है, दीर्घ की किसको बोला जाता है, कौन है दीर्घ की ऐसे बोला जाता है। ये जो लगता है ना दीर्घ, वहां पे ई बोला जाता है। समझ में आता है मैं क्या कह रही हूँ बेटा। ये जो की बोलते हैं ना, इसमें ये जो दीर्घ लगाई है ना, उसमें बोला जाता है ई की। देखो यहाँ पे सो करोगे तो तुरंत समझ में आएगा, क वता दीर्घ की, ख वता दीर्घ खी, ग वता दीर्घ गी, ग वता दीर्घ घी, च वता दीर्घ ची, छ वता दीर्घ छी। तो ऐसे ही ये बोला जाता है। समझ में आता है मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों। तो उसके पीछे ये बोला जाता है, इसीलिए उसको स्वर बोलते हैं। तो ये कौन सा है, बड़ा वाला ई। कौन सा ई है, ये बड़ा वाला ई। ये खास याद रखना है ना। तो ऐसे पूरा आपको लिख लेना है, जैसे आप आगे लिखते हो ना वैसे ही आपको ये लिख लेना है पूरा, ऑल मूलाक्षर, और अच्छी तरह से मेरी तरह वेरी नीट एंड क्लीन लिखना है। ये लिखाने का मतलब ये है कि ये जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो स्वर है वो कहाँ पे यूज़ होता है वो आपको पता चले, इसीलिए मैं ये आपको ये लिखाती हूँ, है ना बच्चों। तो आपको ये पूरा लिख लेना है। समझ में आता है मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे पूरा सब आपको लिख लेना है, एक ही बाकी नहीं रखना है, ऑल मूलाक्षर। ओके, तो कहाँ तक के, स्र तक के ऑल मूलाक्षर आपको लिख लेना है। ओके ना, ओके बच्चों, बाय।